हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आज मैं बात करने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट इशू जो है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में आ रहा है जिन्होंने BHU का फॉर्म भरा है या जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हुआ है, और जो इशूज कैंडिडेट्स के मन में आ रहे हैं उसका एक सूटेबल आंसर के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल एज टेलीग्राम। तो चलिए आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेरी जो बहुत से कैंडिडेट्स के मन में आ रही है वो ये है कि सर, आपने एक वीडियो बनाया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसकी जो नोटिफिकेशन थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, उसके हेडिंग में ये लिखा हुआ था कि PhD प्रोग्राम फॉर मार्च 2020 फॉर दी सेशन 2019-2020। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो एग्जाम है वो अभी क्लियर हुआ है नेट JRF का 1 दिसंबर को, जो जून 2020 का एग्जाम जो डिले होकर के अभी 1 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया है, तो क्या हम वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? तो उनको मैं आंसर देना चाहता हूं कि मैं, अगर आपको ध्यान से आप नोटिफिकेशन पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है कि लिंक कब से जनरेट हुई है PhD एडमिशन जो PhD प्रोग्राम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसको लिंक जो है वो एक्टिव हुई है 8 दिसंबर 2020 और वो एक्टिव रहेगी 18 दिसंबर 2020 अभी तक। तो ये जो डिले हुआ है कि उसमें मार्च लिखा हुआ है, सेशन 19-20 लिखा हुआ है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के चक्कर में क्या है कि बीच में लॉकडाउन हो गया, मतलब उनका इरादा था पूरा पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कि मार्च में वो लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे और जो है पूरा प्रोसेस होगा, बट ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन वो शिफ्ट हो चुका है। और अगर आप का नेट JRF अभी जून 2020 में हुआ है जिसका एग्जाम 1 दिसंबर को आया है और वो भरना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का PhD प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है, तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सीधे सपाट इसका आंसर दे दिया है। वो जो मार्च लिखा है और जो 19-20 है उसमें आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है, वो होना बहुत पहले था बट ड्यू टू कोविड वो अब हो चुका है पोस्टपोन और अब होगा वो आपका जो दिसंबर में डेट्स आई है तब होगा वो उसका जो भी इंटरव्यू वगैरह होना है। एंट्रेंस टेस्ट उसमें भी नहीं होगा, तभी सीधे बता दिया गया है नेट JRF वालों को, ठीक है। और एक क्वेरी और मेरे सामने आ रही थी रिगार्डिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वो ये थी कि सर हमारा नेट JRF नहीं है तो क्या हम भर सकते हैं? नहीं, आप नहीं भर सकते, बिकॉज वो नेट JRF मांगी इसलिए रहे जिससे एंट्रेंस टेस्ट उनको ना लेना पड़े, बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट इज समथिंग विच इज यू नो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड स्पेशली इन दिस कोविड सिनेरियो। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट नेट JRF वालों को दे दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए और रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद आपको जो है इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। सबकी डेट्स वहां मेंशन है और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपसे जो है यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करती रहेगी। तो ये पहला चीज है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर रिसर्च प्रपोजल बता दीजिए कैसे बनाते हैं। इन सब की वीडियोस मैं बहुत पहले बना चुका हूं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें है ना, ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे होगा, उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। प्लेलिस्ट की पूरी की पूरी लिंक नीचे दी हुई है, उसमें कम से कम अराउंड 53-54 वीडियोस है जो कि आपने सबके काम की, आपके इश्यू से ही मैंने इंस्पायर होकर वो वीडियोस बनाई हैं। तो उसको देखिए, आपकी बहुत सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन जो सॉल्यूशन है वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है मुद्दा वो ये है कि सर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें इशू ये आ रहा है कि उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म थी उसका लिंक जो है वो एक्टिव हो गया था 21 फरवरी को, है ना, और उसके बाद 25 मार्च तक उसकी लास्ट डेट थी, पर एक्सटेंड होते 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 वो अब 20 दिसंबर तक पहुंच चुकी है कि 20 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब सर हमारा उस वक्त, हमने जब मार्च में फॉर्म भरा था, हमारा नेट JRF तो था ही नहीं, क्योंकि नेट JRF का एग्जाम तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में हुआ, रिजल्ट अभी 1 दिसंबर को आया है। तो सर हमें जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्या उसका है? बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई, दे आर सेइंग कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आर कॉल्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आर ईमेल। तो सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, और हमारा नेट JRF हो चुका है, हम एग्जाम्प्टेड में आ चुके हैं, पर हमने फॉर्म जो है नॉट एज एन नेट JRF क्वालिफाइड भरा था, तो हमें क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज एज अ रैशनल ह्यूमन बींग क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन हो सकता है। वो डिसीजन ये है कि क्योंकि आपने फॉर्म पहले भर दिया था, उस वक्त आप नेट JRF नहीं थे,
ना, तो आपको जो है हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट देना पड़े। इसका सर प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि अभी जो है रिसेंटली 8 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आप सब जानते हैं डेट एक्सटेंशन का, कि जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और वो हो गई है 20 दिसंबर। और उसमें एक चीज और लिखी हुई थी कि जो लोग एमफिल में इससे पहले, क्योंकि बीच में ही आई है ये जून के आसपास, है ना, जून जुलाई के आसपास आपकी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसमें एमफिल डिसकंटिन्यूड हो गया है, तो उन्होंने बोला कि जो एमफिल में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वो पीएचडी में जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर उनको आपका ये जो इश्यू है कि नेट जेआरएफ पहले हुआ है तब भरा है बाद में हो गया, अब क्या करना चाहिए, अगर उनको इतना सीरियस लगता और उनको लगता लिटरली इसके ऊपर कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन निकालना चाहिए तो अभी तक निकाल चुके होते। तो एज पर दी यू नो स्टेप्स एंड यू नो स्ट्रैटेजीज टेकन बाय जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, हमें ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने एज ए नॉट नॉन जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस वक्त और अब नेट जेआरएफ हो चुके हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। अब कुछ यहाँ पे ये भी इशू क्रिएट हो रहा है कि सर हम वापस से फॉर्म भर देते हैं, तो वापस से आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर और आपकी ईमेल आईडी अपनी चेंज कर दो, क्योंकि वो एक बार रजिस्टर्ड है तो वापस आप बार बार उसको रजिस्ट्रेशन में नहीं डाल सकते। पर यहां पे आगे जाकर के सपोज डुप्लीकेशन ऑफ फॉर्म आता है कि यार इसका तो नाम भी सेम है, फादर्स नेम भी सेम है, स्कोर भी सेम है, मदर्स नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उस केस में वो आपकी जो बाद वाली एप्लीकेशन है ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दिया है ना इस चक्कर में कि मैं तो एग्जाम दूं, बाद में फिर आपने क्या किया, आपने दोबारा फॉर्म भर दिया, उस वक्त आपका हो गया 0। क्यों? बिकॉज जिसने एंट्रेंस टेस्ट में एबसेंट है वो तो इंटरव्यू दे ही नहीं सकता और बाद वालों ने हटा दिया बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन, तो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये एक मुझे लग रहा है कि वो सोच उन्होंने जनरेट की है जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में, कि जिन्होंने, क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ सोच विचार होता कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दे माइट हैव इशूड अ सर्कुलर वेरी सून, क्योंकि अब तो जो है एग्जाम आ चुका है और लास्ट डेट भी आ चुकी है, उसके साथ ही कोई सर्कुलर वो अटैच कर देते हैं या इशू कर देते हैं कि ये जो है इशू आ रहा है और इसमें हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं कि नेट जेआरएफ वालों को हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं सब, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो आपको हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट जो है जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी का वो आपको देना पड़े बिकॉज उस टाइम पे आपने नॉट नॉट क्वालिफाइड नेट जेआरएफ आपने फॉर्म भरा था ये। और जिनका जो है अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनका नेट जेआरएफ हो चुका है, तो वो तो बिल्कुल जो है एग्जाम्प्ट हैं और फिर वो डायरेक्ट अपना रिसर्च प्रपोजल के साथ इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। सो दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी इशू क्रिएट हो रहा है या आपको आगे जाकर के सपोज आपने मेल किया या आपने उनको कॉल किया एंड यू गॉट एन आंसर, तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर करिएगा बिकॉज ये क्वेरी बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोग लैक्स में जो है इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये इसका, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो है ये शेयर कर सकते हैं। तो दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो दैट आई वॉन्ट टू शेयर। इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज आती हैं तो हमारा ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली अपनी क्वेरीज लिखिएगा और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए जिससे आपका आगे जा करके और अपलिफ्टमेंट हो, और ऐसे ही अपने लाइक्स और कमेंट्स हमें देते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।